अरे प्रीतम भाई हमारे नेता हैं, मैंने कहा ना कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं कोई खेमा नहीं, कांग्रेस एकजुट हो, और कांग्रेस में मैंने कहा ना एकता में ताकत है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के चित्र में वो कल एक दुर्घटना हादसा हुआ है, ये परिवार में बहुत लोग आज गए हैं, आज 10-11 माननीय विधायक हमारे संपर्क में हैं, मैं लगातार संपर्क में हूँ, सबके संपर्क में, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से यशपाल आर्य रुक नहीं हो सकता। मैं अगर पार्टी हाईकमान ने यशपाल आर्य को ये दायित्व दिया है, ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार को समेट के रखूँ, उनको साथ लेके चलूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्र में बड़ा नहीं हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य का दायित्व है, जिम्मेदारी है, मैं पूरे अपने कुनबे को संभाल के रखूँ और हम मिलकर काम करेंगे, माननीय विधायकों की सहमति से काम होगा, उस लड़ाई को अकेले यशपाल आर्य नहीं लड़ सकता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और सड़क पर लड़ेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, मैंने कहा था हम सजग प्रहरी के रूप में, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे आपका हमारे देखिए देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में, हमारे राज्य आंदोलन में हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ज्वलंत प्रश्न है जिनको हम सदन में उठाना चाहेंगे, और मेरे साथ करण मेहरा जी हैं जो नेता हमारे नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ उपनेता हमारे भुवन कापटी जी हैं, तारतम्य के साथ तालमेल के साथ हम सदन में बोलेंगे और सड़क पर भी बोलेंगे।